लाइन में सबसे पहले देखेंगे कि सेंटर लाइन क्या है, यानी कि तमाम चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। दो बॉक्स बनाए और एक सर्कल भी बना दिया, एक और सर्कल भी बना देते हैं। इन तमाम को सेलेक्ट कर लिया और इन सब का सेंटर पॉइंट एक ही हो जाएगा सेंटर अलाइन करने से। ये देखिए सेंटर में कर दिया, वर्टिकल भी सेंटर में और हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में अप्लाई किया। अब ये सब का सेंटर पॉइंट एक ही हो गया है, जैसा कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, इन दोनों चीज़ों को सेलेक्ट किया और दोनों को सेंटर लाइन कर दिया। ये देखें ये दोनों सेंटर में आ गए, ये सेंटर पॉइंट है दोनों का और ये इन चारों का सेंटर पॉइंट है। अब अलाइन टॉप करना है, यानी कि जिन चीज़ों को हम अलाइन करेंगे वो टॉप पे अलाइन हो जाएंगी। जैसे इन सबको हम टॉप अलाइन करते हैं, वर्टिकल नो चेंज, हॉरिजॉन्टल टॉप अलाइन, ये कंडीशन अप्लाई किया। ये देखिए सबका टॉप बराबर हो गया, क्योंकि हमने वर्टिकल को नहीं चढ़ा, हॉरिजॉन्टल टॉप अलाइन किया हमने। अब जिस चीज़ को हम पहले क्लिक करते हैं दूसरी चीज़ उसके हिसाब से अलाइन होती है। ये नीचे वाले को अगर हम लॉक कर दें तो ऊपर वाला बॉक्स खुद ब खुद नीचे आएगा, क्योंकि नीचे वाला लॉक था, ये हमारा लॉक था, इसे अनलॉक किया। अब इसे लॉक कर देते हैं, ये तो अपनी जगह से नहीं हिल सकता। अब बाकी तमाम चीज़ें नीचे आ जाएंगी, इसके टॉप के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि वो तो लॉक है। अब राइट अलाइन भी सेम मेथड है जैसे हमने टॉप किया था, अब राइट अलाइन कर लीजिए। राइट पे किया, नो चेंज, हॉरिजॉन्टल नो चेंज, वर्टिकल राइट अलाइन। अभी हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर अलाइन देखेंगे क्या है। ये टॉप राइट हो गया, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये चारों डब्बे इस कोने पे आ गए। देखें टॉप लेफ्ट दोनों का, इसका भी और इस लाइन का भी, और ये भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अलाइन हो गए। अभी टॉप सेंटर, यानी कि टॉप का जो सेंटर होगा वहाँ पे चीज़ें आके अलाइन होंगी। ये देखिए टॉप सेंटर में वो पोजीशन नज़र आ रही है, अलाइन टॉप, अलाइन सेंटर, ये सेंटर लाइन हो गया। दोबारा करके देखते हैं, जी हाँ वाकई हो रहा है। इसे लॉक कर दिया और अब देखते हैं क्या होता है। दोबारा भी वही है जो पहले हो रहा था, और सारे कितने के जो बड़े वाला बॉक्स है वो अपनी जगह से नहीं हिला। जैसा टॉप सेंटर वैसे ही लेफ्ट सेंटर भी होगा, लेकिन एक एग्जांपल इसकी भी देख लेते हैं। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इस पर जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लें। यानी कि ये इसके सेंटर में आ जाएगा, ये दोनों का ये सेंटर है लेफ्ट सेंटर, इसे लॉक कर दिया। अब ये बड़ा वाला छोटे के पास जाएगा, क्योंकि छोटे वाला बॉक्स ऑलरेडी लॉक है, वो तो अपनी जगह से नहीं हिल सकता, मजबूरी है बड़े को ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं जिसके हिसाब से इसको अलाइन किया जाए, हम पेज के हिसाब से अलाइन करते हैं। अलाइन टू पेज, सेंटर में आ गया, ये पेज के सेंटर में आया, राइट टॉप, ये पेज के राइट टॉप पर चला गया। लेफ्ट टॉप करके देखते हैं,
ये लैपटॉप पे गया, यानी कि अब ये पेज के हिसाब से अलाइन हो रहा है। किसी भी चीज़ को अलाइन करने के लिए दो से ज़्यादा चीज़, एक से ज़्यादा चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर आप पेज अलाइन नहीं करते, पेज अलाइन अकेला भी हो जाता है जैसे आपके सामने हो रहा है, तो सबसे पहले इनका टॉप बराबर कर देते हैं। कुछ लाइनें छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, देखिए बाकी दो लाइनें बड़ी हैं, ये थोड़ी सी बड़ी हैं, बराबर कर देते हैं। इसे लॉक किया, इसकी रिसाइजिंग नहीं सकती, यहाँ पे सब सिलेक्ट किया, तो जब हमने इसको अलाइन किया तो ये छोटा हो गया। इसको भी वाइट एरो से लेकर आप सिलेक्ट कर लें, इसकी रिसाइजिंग होगी। इस तमाम को ये देखिए, सबकी सिलेक्शन, इनको सेंटर लाइन किया, एक डॉट बन गया, क्योंकि हमने सिलेक्शन बहुत गलत तरीके से की थी। इस तरह सिलेक्शन किया करें, यह सही लाइन हुआ है। एक बॉक्स, दो बॉक्स बनाए, इसे अनग्रुप कर लेते हैं। अनग्रुप किया, छोटे को लॉक कर दिया, वाइट एरो लेके इसके ऊपर वाले दो कॉर्नर सेलेक्ट किए। देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले कॉर्नर में सिलेक्शन में फ़र्क है। अलाइन टॉप, ये देखें दोनों का टॉप अलाइन हो गया, वो नीचे आ गया क्योंकि उसकी